मंदसौर जिला अस्पताल के सामने से स्विमिंग पूल में बिना सफाई के ही भरा पानी, जमीकाई हो सकती है बड़ी घटना, कांग्रेस पार्षद ने लगाया आरोप। मंदसौर जिला अस्पताल के सामने से स्विमिंग पूल में लगभग एक माह पहले से ही सफाई का कार्य किया जा रहा था, पर नगर पालिका के कर्मचारियों ने 7 फीट ही सफाई की है और नीचे पूरी तरह काई जमी हुई है, जिसको साफ कराने का काम नगर पालिका कर्मचारियों ने अच्छे से नहीं किया। गुरुवार को 1:50 पर मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस पार्षद साबिर हुसैन ने आरोप लगाया कि यह जो काई साफ नहीं की गई है, इस कारण बड़ी घटना हो सकती है। इसको लेकर हम कांग्रेस का प्रतिनिधित्व मंडल नगर पालिका अध्यक्ष से मिलेंगे और सफाई के लिए चर्चा करेंगे और गोताखोरों की व्यवस्था रहे, यह मांग भी करेंगे। मंदसौर नगर पालिका के जलकर सभापति नीलेश जैन ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि गर्मी को देखते हुए स्विमिंग पूल की सफाई और साफ पानी भरवाया गया है और उनके द्वारा कहा गया कि सही तरह सफाई नहीं की गई तो लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। यह बात कही गई है और कहा है कि जो रिपेयरिंग की बात है उसको भी नगर पालिका द्वारा जल्दी कराने का काम किया जाएगा, पर नगर पालिका द्वारा स्विमिंग पूल चालू करने का प्लान कर रहे हैं पर व्यवस्थाएं तो कुछ ही नजर नहीं आ रही। लकड़ी के पाटिये भी पूरी तरह टूटे पड़े हैं और व्यवस्थाओं के बीच स्विमिंग पूल को चालू कराने का काम नगर पालिका कर रही है, इससे बड़ी घटना हो सकती है। समय रहते जिम्मेदारों को इस तरफ गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती है और पहले भी यहाँ पर बड़ी घटना हो चुकी है, उसके बावजूद भी जिम्मेदार सबक नहीं ले रहे। नगर पालिका द्वारा संचालित स्विमिंग पूल, जो कि हमारा शहर का एकमात्र स्विमिंग पूल है, यहाँ पर हमने प्राय देखा है कि कई अव्यवस्थाएँ रही है, कई दुर्घटनाएँ भी हुई है, तो इसको लेकर तत्कालीन नगर पालिका के हमारे जिम्मेदारों को संज्ञान लेना चाहिए। वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था की और ज़रूरत है, वहाँ रिपेयरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा जो सुरक्षा उपकरण है उनकी आवश्यकता है और गार्ड वगैरह की, गोताखोरों की रेगुलर वहाँ पे ड्यूटी रहना चाहिए। इसके साथ ही मेन समस्या जो है हमारे स्विमिंग पूल की जो बेस है उसकी साफ़ सफाई पूरी अभी तक भी नहीं हो पाई है। उसकी साफ़ सफाई का काम चल रहा है, लेकिन 17 फीट तक की जो गहराई है स्विमिंग पूल की, उसकी 17 फीट तक की ही पूरी गहराई होना चाहिए। वहाँ नीचे गाद जमी हुई है, वहाँ पे कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। और देखने में आ रहा है सफाई के पहले उन लोगों ने पूरा पानी भर दिया, तो क्या लगता है बड़ी घटना? नहीं, नगर पालिका के जिम्मेदारों से मैं मांग करता हूँ कि इस ओर ध्यान देकर जल्द से जल्द पूरी की सफाई करवाई जाए, वरना इसके संबंध में हम नगर पालिका अध्यक्ष को हमारा विरोध दर्ज कराएंगे। देखिए, अतिशीघ्र हम लोग स्विमिंग पूल चालू कर रहे हैं। आज से हमने 4 दिन पहले भी सीएमओ साहब और माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमने स्विमिंग पूल का अवलोकन किया था। उस समय भी हमने सारे कर्मचारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए थे। आप जो बात संज्ञान में ला रहे हैं तो उसके ऊपर हम भी विशेष कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई की जाएगी इसमें? हम भी वहाँ का भौतिक सत्यापन करेंगे और जो भी आवश्यक कदम है वो हमें नगर पालिका द्वारा उठाए जाएंगे। देखने में आता है कि वहाँ पर जो लाइफ गार्ड वगैरह के जो कुर्सी वगैरह है वो भी काफ़ी ख़राब वगैरह पड़ी है। लोग ऊपर से मतलब लाइफ वगैरह लगाते हैं तो उसकी जो पट्टी है वो भी टूटे ऊपर है, उसको लेकर क्या व्यवस्था वो रिपेयरिंग वगैरह? देखिए, जो भी मेंटेनेंस के कार्य के लिए हमने यहाँ पर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और अतिशीघ्र वहाँ का हम पूरा परिसर का हम रंग रोगन भी स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कोई ठेके में देने की बात भी चल रही है स्विमिंग पूल? अभी तक ऐसा कोई विचार है नहीं, लेकिन यदि ऐसा लगता है हमारे नगर पालिका परिषद को तो हम उस ओर भी जा सकते हैं। धन्यवाद।